सभी लोग तैयार हैं? तो आज जब हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत खूबसूरत एक मैसेज यहाँ पे लिखा है, क्या है? विश्वास। क्या है? विश्वास है। विश्वास है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? विश्वास। विश्वास होना चाहिए। विश्वास है खुद पर कि मैं कर सकता हूं, पक्का? क्योंकि सबसे बड़ी चीज विश्वास है। जिसे विश्वास हो गया समझो सफलता उसके पास हो गया, जिसके जिसको अपने ऊपर भरोसा है। क्योंकि सबसे ऊपर सबसे पहले आपको खुद के ऊपर भरोसा करने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है, अपने ऊपर भरोसा करने की जरूरत है कि नहीं मैं कर सकता हूँ यार, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। कई बार लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि वो भी जिंदगी में कुछ कर सकता है। समझ आ रहा है यार? तो विश्वास है ना कि धक्का मार गाड़ी, धक्का मार गाड़ी तो नहीं है ना कि नहीं भाई सर ने बोला है जाना है तो हम जाके आ रहे हैं, हाजिर लगाएंगे। तो ऐसा मत करो मेरे दोस्त, अपने ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा कि आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। समझ आ रहा है? अगर हम कामयाब हो सकते हैं तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। कंपनी वही है, सिस्टम वही है। इवन कम आज के दौर में अगर बात करें तो सेल्स और अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से आपके सामने है। अब जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो किस चीज की है? विश्वास की जरूरत। भाई नेक्स्ट स्लाइड देखो, क्या दिख रहा है? साइकिल दिखी और क्या दिखा? जो चीज देखनी चाहिए वो दिखी नहीं। चांद दिख रहा है, जाना कहाँ है? जाना सुना होगा ना चांद के पार चलो। तो भैया जाएंगे कैसे? क्या इस तरीके से साइकिल पे चांद पे जाया सकता है? क्या चांद पे इस तरीके से जाया जा सकता है? जाया जा सकता है क्या? नहीं जाया जा सकता, बिल्कुल नहीं जाया जा सकता है। अगर आपको चांद के ऊपर जाना है तो आपको तरीके बदलने, क्या बदलना पड़ेगा? तरीका बदलना पड़ेगा। आपको गरीबी से निकलकर अमीरी में आना है, आपको अपने हालात परिस्थितियों को बदलना है, तो क्या जो तरीके आपने और आपके माँ बाप ने आपके पूर्वजों ने आज तक अपनाए थे क्या उन्हीं तरीकों से आप रईस बनोगे? क्या नौकरी पेशाओं की जिंदगी आपने बदलते हुए देखी है क्या? हाँ, नौकरी वालों की जिंदगी में गाड़ी आती आती है, मैंने देखी आती। क्यों शशिका आती है? नौकरी वालों की जिंदगी में गाड़ी आती है, लेकिन वो तब आती है जब वो बोलते ना कि हमारे यहां कहावत है आपके यहां की होगी कि मुंह में दांत नहीं पेट में आंत नहीं। तो क्या बुढ़ापे में गाड़ी का मजा है? गाड़ी का मजा तो जवानी में है ना भाई, समझ आ रहा है? मैंने कई ऐसे अपने इलाके में लोगों को देखा जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद गाड़ी ली, अब वो गाड़ी का हेलीकॉप्टर भी ले लेना वो मजा उनको नहीं आएगा जो जवानी में एक छोटी गाड़ी से भी आ सकता। समझ आ रहा है? तो आपको अपने आप को पहले पूछना है कि भाई अगर मुझे जहां यहां दिख रहा है कि चांद के ऊपर जाना है तो तरीके बदलने पड़ेंगे। अगर आपको गरीबी से निकल के, अगर आपको रोड से निकल कर करोड़ में अगर आना है तो क्या बदलना पड़ेगा? साधन अपने तरीके बदलने पड़ेंगे ना। लेकिन आज भी अगर आपको वही खेती बाड़ी, मैं लोगों को देखता हूं मुझे बड़ा तरस आता है जब भी बात करो, जब भी लीडर से बात करो, हाँ भाई धंधा कम क्यों हुआ? बोलते सर धान रोपाई का काम चलता है। किसका? धान रोपाई। कुछ सही बात पता करो भाई क्या हो रहा है? सर धान कटाई का काम चलता है। सर धान बुआई का काम, सर बुआई कटाई रोपाई यही काम चलता रहेगा क्या? और कुछ टाइम कुछ दिन बाद एक और नया आ जाता है, सर मऊआ चुनने गए। सही कह रहे हैं? मऊआ धान कटाई रोपाई यही नहीं है, इसीलिए फंसे होंगे। भैया ये वो काम आप लोग कर रहे हैं जो आपके जो पेरेंट्स हैं, जो आपके पूर्वज हैं, जो माँ बाप है उन्होंने वो काम किया था। तो उनको देख लो भाई, अगर आपको लगता है आपकी जिंदगी के हीरो वो हैं
अगर उनके जैसा जीना है तो करो शौक से, लेकिन मेरे दोस्त अगर आपको चाहिए कि मुझे भी चांद को छूना है, मुझे भी चांद के पास जाना है, मुझे भी हवाई सफर करना है, मैं भी देश देश घूमना चाहता हूँ, मैं भी राइस बनना चाहता हूँ, मैं भी अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ, अगर आप वो सारी चीजें चाहते हैं तो आप कुछ तरीके बदलने पड़ेंगे। समझ आ रहा है मेरा? ये धान रुपाई कटाई बुआई सब छोड़ना पड़ेगा। आपको क्या लगता है हम लोग जो यहाँ पे हिमाचल के जो टॉप लीडर यहाँ बैठे हैं, हम सारे रिफ्यूजी हैं क्या? हम बेघर थे क्या? अरे भैया हम भी खेती बाड़ी करने वाले लोग ही हैं। आज भी मैं अगर अपनी बात करूं तकरीबन 10 लाख रुपए का सेव होता है मेरा साल। कितना? 10 लाख। 1000 पेटियां, 1000 सेब की बड़ी बड़ी पेटियां, जो ये साइज है इतनी बड़ी बड़ी पेटियां, 1000 पेटियां मेरे साल की निकलती। 10-10 लाख का साल खाते, सतीश ठाकुर खाते, शशिकांत शर्मा खाते, हम सब लोग भैया हम भी वही थे। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब से हमने इस बिजनेस में कदम रखा है तब से हमने अपने खेतों में कदम नहीं रखा। समझ आया? क्योंकि हमें समझ आ गया था कि खेत क्या करेंगे, खेत हमको मुट्ठी पर पैसा देंगे और हमारी जो खुशियां हैं उसे सिर्फ मुट्ठी में मसल के खत्म कर देंगे। इसलिए हमने वो सारी चीजें छोड़ी जो मेरे और मेरे सपनों के बीच आ रही थी, सारी चीजों को दरकिनार किया। जब से बिजनेस थामा है 14 साल पहले, 15 मार्च 2008 से जब से इस बिजनेस का हाथ पकड़ा है तब से हमने ये सारे काम छोड़े। और यही वजह है कि आज हम यहां पहुंचे हैं। अगर आपको भी उस कुर्सी से निकलकर यहां पहुंचना है तो आपको भी वो खेत खलिहान वाले सारे काम छोड़ने, छोड़ो भी नहीं छोड़ो। कौन सा मजा आता है खेती बाड़ी में, गधों मजदूरी में कोई मजा आता है क्या? आता है? कोई बता दो मुझे यार कि सर मजा आता है सर आपके बाद धान बुआई कटाई करते क्या मजा आता है सर? पता नहीं चलता आदमी और बैल दोनों खेत में घुसे इतना गर्व हो गया। इसको ट्रैक्टर से करते हैं लेकिन भाई मैंने जो देखा आदमी और बैल इतना इतना मिट्टी में पानी में कीचड़ में बस लगे। कौन सा? हाँ लेडी वाला बताओ दादा। एक तो सर जाना इतना फोल्ड करना पड़ता है, सही कह रहा? सोच के देखो जिंदगी है मिट्टी में। अरे मिट्टी से हम बने हैं अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी भी मिट्टी में मिला दी, खुशियां भी मिट्टी में। अरे भैया आप धान भी नहीं रोक रहे हो, आप अपनी खुशियों को अपने सपनों को मिट्टी में दफन कर रहे हो। इस बात को समझ लीजिए, कुछ भी हो जाए याद रखो मेरे दोस्त। कई लोगों में देखो सर मैं नहीं करूंगा काम खराब हो जाएगा। अरे मेरे भाई मैंने देखा है दुनिया से अगर लोग भी चले जाए ना काम नहीं रुकते। कोई बता कर मेरे को आके नहीं वो बंदा चला जाए उसके परिवार वालों ने तो खेत ही छोड़ दिया, कुछ नहीं होगा, सब चलता है। जाने वाले का नुकसान होता है बाकी जो रह जाते हैं वो सब काम करते हैं, करते हैं नहीं करते तो यार क्या जिंदगी है? मऊआ चुन रहे हो जगह में जा सर 500 का निकाला है। सोच कौन सी सोच में काम कर रहे हो भाई? बाहर निकलो उस चीज से, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। मैं बार बार लोगों को एक ही चीज कहता हूं कितने सालों से हम सबको अपना दुश्मन मान बैठे हैं, सबको अपना दुश्मन मान बैठे यार। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि भैया हमारे सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई है वो हम खुद हैं। समझ आ रहा क्या? अगर आज आप अमीर नहीं है तो इसकी सबसे बड़ी वजह आप खुद हैं, कोई और नहीं है। भगवान ने तो भैया जिसको जैसा भेजना था धरती पे भेज दिया, भेज दिया ना। तो आप लोग किस चीज का मातम मना रहे भाई, किस चीज का मातम? जो जैसा है